भीड़ से हटकर शांत एवं स्वच्छ वातावरण में खातेगांव वाले यादव जी का मां गंगोत्री रेस्टोरेंट, मात्र 60 रुपए में भरपेट स्वादिष्ट भोजन। संडे स्पेशल दाल बाफले कड़ी पकौड़ा मात्र 75 रुपए में। बर्थडे के लिए स्पेशल रूम की व्यवस्था विशेष साज सज्जा के साथ। जिले वासियों को नव वर्ष की अग्रिम बधाई के साथ एक नई सौगात, मां गंगोत्री चाट हाउस, कम रेट पर स्वादिष्ट व्यंजन। हमारा पता जीपी माल के पास, पुरानी जीव अस्पताल चौराहे के पास, हरदा, मध्य प्रदेश। नेमावर हत्याकांड में शामिल दरिंद को जब तक फांसी नहीं होगी न्याय यात्रा जारी रहेगी। घटना स्थल पर पुष्प अर्पित कर शपथ लेकर न्याय यात्रा शुरू की। मकड़ाई समाचार, नेमावर हत्याकांड में दोषी दरिंद को जब तक फांसी नहीं हो जाती चैन से नहीं बैठेंगी। ये बात पीड़ित परिवार के साथ ही न्याय यात्रा में शामिल लोगों ने एक स्वर में कही। यात्रा शुरू करने के पूर्व सभी लोग घटनास्थल पहुंचे, जहां 5 लोगों की जघन हत्या कर उन्हें गहरे गड्ढे में डाल दिया। आदिवासी नेता विधायक हीरालाल अलावा सहित गुणवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं सहित अन्य युवाओं ने उक्त स्थान पर पुष्प अर्पित शपथ ली। जब तक दरिंदों को फांसी नहीं हो जाती तब तक ना तो हम चैन से बैठेंगे और ना ही यात्रा रुकेगी। मीडिया का सवाल का जवाब देते हुए पीड़िता भारती काजडे ने कहा, न्याय यात्रा का यह उद्देश्य है न्याय पाना। जब तक हमारे परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारी न्याय यात्रा जारी रहेगी। न्याय सिर्फ सीबीआई जांच करने से नहीं होगी। जब तक दरिंदों को फांसी के फंदे पर लटकता नहीं देख लेते तब तक चुप नहीं बैठेंगे। हमारे परिवार को जब तक न्याय मिलेगा तब तक उन्हें फांसी नहीं होगी। हमें सरकार पर भरोसा नहीं। जब हम सामाजिक संगठन लगातार सीबीआई की जांच की मांग करते रहे तब तक जांच करने की बात नहीं की और सीबीआई जांच की बात कह रहे हैं। न्याय यात्रा में शामिल विधायक हीरालाल अलावा ने कहा, न्याय यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि हत्या के षड्यंत्र में शामिल सभी लोग भी आरोपी हों। जब तक घटना में शामिल षड्यंत्र का पर्दाफाश नहीं हो जाता, उन्हें फांसी नहीं हो जाती तब तक हमारी न्याय यात्रा जारी रहेगी। नेमावर से जारी न्याय यात्रा 11 जनवरी को भोपाल पहुंचेगी। सुनील जैन की रिपोर्ट। न्याय यात्रा का उद्देश्य तो यही न्याय पाना है। जब तक हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम न्याय यात्रा जारी रखेंगे। और न्याय सिर्फ सीबीआई जांच करने से नहीं हो जाता है। न्याय जब तक उन दरिंदों को फांसी के फंदे तक नहीं लटकते देखते तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हमारे परिवार को तभी न्याय मिलेगा जब उनको फांसी के फंदे पर देखेंगे। आज से ये यात्रा शुरू हो रही है, किस तरह से जो है इसको तय करेंगे भोपाल तक का सफर आप? अभी तो भोपाल तक ही जाएंगे और आगे भी हम यात्रा निकालेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक दरिंदों को फांसी नहीं होती। नहीं, सरकार जब सिफारिश कर चुकी है सीबीआई जांच की, आपकी भी यही मांग थी, फिर अब ऐसे में आज जैसे न्याय यात्रा शुरू की जा रही है, क्या भरोसा नहीं है सरकार ने जो सिफारिश की है उस? बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम 6-7 महीने से भटक रहे थे। सभी संगठनों ने मांग रखी थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब उन्होंने सीबीआई जांच की मांग नहीं दी। आज 6-7 महीने के बाद वो सीबीआई जांच के आदेश कर रहे हैं। अनुशंसा करी है और अभी तो हमारे हाथ में कुछ सरकार से ऐसा कुछ लिखा हुआ भी नहीं आया है। अभी क्या संकल्प लिया गया आपके द्वारा? अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे ये संकल्प लिया है, मेरी माँ, मेरी बहन और 2 बच्चों से यही संकल्प लिया है कि जब तक उनको हम न्याय नहीं दिलाते, जब तक उनके साथ जो घटना घटी है उनको फांसियों को लड़ाई लड़ते रहे। और एक बात और, ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। जब तक आज ये एक बेटी के साथ हुआ, 2 बेटी, 3, 5 लोगों को प्रबलतापूर्वक मार दिया गया, आगे आदिवासी दलित परिवार के साथ ऐसा न हो इसीलिए भी ये यात्रा निकाली जाए। आपका क्या सुनना है? मेरा नाम रीटा डागरे, इंदौर से नारी सम्मान जागृत चेतना की अध्यक्ष। आए दिन छोटी छोटी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, ये यात्रा उनके लिए भी जो हमने सहा है हम नहीं चाहते वो कोई और सहा है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम भारती काजडे है। यात्रा के माध्यम से हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग हमारी कि जो आदिवासी पीड़ित परिवार के 5 सदस्यों की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी और 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दी गई, इस पूरे षड्यंत्र में जो भी आरोपी है, सहयोग करने वाले से लेकर घटना को अंजाम देने वाले तक, हमारी मांग शुरू से ही रही है कि सीबीआई जांच के माध्यम से इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करे मध्य प्रदेश सरकार और इस षड्यंत्र में जो भी षड्यंत्रकारी शामिल हो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा हो। और हम सबकी मांग है, पीड़ित परिवार की, ये बहन हमारे साथ में है,
और हम सबकी मांग है कि जो भी आरोपी है उनको फांसी की सजा हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। विधायक जी बताएं, सरकार ने जो है 6 महीने बाद जो है सीबीआई की जांच की सिफारिश की, क्या लगता है आपको कि ये समय रहते जो है फैसला ले लिया जाना था? मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार चाहती ही नहीं थी कि इस हत्याकांड की सीबीआई जांच हो। जब प्रदेश के सभी सामाजिक संगठनों ने, आदिवासी समाज के संगठनों ने, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने जब नेमावर में बड़ा प्रदर्शन किया और मांग करी कि पीड़ित परिवार के साथ जो बर्बरता बरती गई और ये जघन्य हत्याकांड जो हुआ है, देश और प्रदेश का सबसे जघन्य हत्याकांड है और इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से ही होनी चाहिए और सीबीआई के निर्देशन में ही दोषियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसके लिए जब समाज और पीड़ित परिवार जब आगे आया तब जाके सरकार जागी। अगर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार अगर समय से फैसला ले लेती तो जो इस 6 महीने के बाद जो भी तथ्यों को पलटने के जो प्रयास हुए होंगे और जो भी इस हत्याकांड में शामिल लोगों को बचाने का प्रयास हुआ होगा, निश्चित ही अगर शुरुआत में ये जांच होती है तो और भी इसमें जो शामिल लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़ा जाता और इसमें इस हत्याकांड के आरोपियों को। अच्छा, आज से न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है, आज क्या संकल्प लिया गया घटनास्थल पर आकर? आप घटनास्थल पर पीड़ित परिवार के सदस्यों और सभी संगठनों के यहाँ पे प्रतिनिधि उपस्थित हैं, सब ने मिलकर संकल्प लिया कि जब तक आरोपियों को फांसी की सज़ा नहीं होती है तब तक संघर्ष जारी रहेगा या न्याय यात्रा जारी रहेगी। ये न्याय यात्रा आज से यहाँ से नेमावर से शुरू, घटनास्थल से शुरू होकर भोपाल तक जाएगी और 11 तारीख को भोपाल पहुँचेगी, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद भी जब तक पीड़ित परिवार के सदस्यों को न्याय नहीं मिलेगा, हत्यारों को फांसी की सजा नहीं होगी, ये यात्रा और ये संघर्ष खत्म नहीं होने वाला है। क्वेश्चन कर लिया ना बेटी से।